विधानसभा 2022 दीआं चोणां दे मद्देनज़र श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ दे उम्मीदवार बलदेव सिंह खैरा दी चोण मुहिम नूं पिंडां च पूरा भरमा हुंगारा मिल रहा है। अकाली आगुआं ते वर्करां ने नेड़ले पिंड पुआरी च डोर टू डोर मुहिम तहत पिंड वासियां नूं पार्टी दीआं नीतियां दा प्रचार करदिआं दस्सिआ कि अकाली दल दीआं सार्थक नीतियां करके लोग कांग्रेस ते आप तो किनारा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते चरणजीत सिंह चन्नी ने कार्यकाल च सूबे दे लोकां नूं बणदियां सहूलतां देण दी बजाए वादा खिलाफियां करके सिर्फ सत्ता दा निक मानण नूं ही तरजीह दित्ती है। विधायक खैरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अते भाजपा इक्को सिक्के दे ही दो पहलू हन जो समुची पंजाबीयत नूं गुमराह करन ते लगे हुए हन। इन्हां विरोधी पार्टियां तों सानूं सारिआं नूं सुचेत रहिण दी लोड है। अकाली बसपा आगुआं ने मीटिंग नूं संबोधन करदे होए कहा कि पार्टी दे उम्मीदवार बलदेव सिंह खैरा दी चोण मुहिम नूं पूरे हलका फिलौर दे वख-वख समुचे इलाकिआं चों भरमा हुंगारा मिल रहा है ते ऐतकी लोक सत्ता च तब्दीली लिआउण दा पक्का मन बना चुके हन ते इलाके दे सारे वर्गां दे लोक श्रोमणी अकाली दल ते बसपा गठजोड़ दे उम्मीदवार बलदेव सिंह खैरा नूं वड्डी लीड नाल जिताउण दा भरोसा दिवा रहे हन। शान न्यूज़ तों कैमरामैन डिंपल दे नाल अजय सिंह नागी दी रिपोर्ट। जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिंड पुआरी जो साडे बहुत ही सत्कार जो बहुजन समाज पार्टी अते श्रोमणी अकाली दल दे सांझे उम्मीदवार सरदार बलदेव सिंह जी खैरा साहब ओह साडे दरम्यान पहुंच चुके ने। उन्हां नाम लूंगा, समा लगूंगा, सारे का धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने देश में संविधान दिता। उस संविधान के बहुत ही अहम हक वोट का अपन मिलया, जो अपन हक मिलया वोट का उसका इस्तेमाल आप 20 तरीक को करना है। जो भी सरकार देश दियां होन जां सूबे दियां होन वो जो बनती है तो उन्होंने एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है भी उन्होंने जिस काम लई सरकार को चुनते हैं उस काम को तरजीह देनी होती है, उस गल के उत्ते पहरा देना होता है जिन्हों लोग चाहते हैं। लोगों की जरूरत है। 74 साल आजाद होया हो गया, 64 साल देश के कांग्रेस राज करके चली गई। अज भी पिंड शहरों के बीच आप सोचते साड़ियां गलियां बन जाए, नालियां बन जाए, छप्पड़ जो सफाई हो जाए। जेकर 64 साल कांग्रेस के देश च राज करने तो बाद भी ये मुख्य जरूरत पूरी नहीं हुई तो जिम्मेवार कौन अंदाजा तुम अपने आप ला लो। अकाली दल का राज 10 साल रहा, जेडे 4 से 5 एयरपोर्ट बने पंजाब वो अकाली दल के राज बने, 4 मारगी 6 मरगी रस्ते बने। सोच सी अकाली दल की कि छोटे छोटे काम आधार कार्ड बनाना है, पेंशन लगानी है, किसी ने कोई जन्म सर्टिफिकेट बनाना है, इंतकाल करवाना है, वो 4 पिंडों को जोड़ के सांझ केंद्र बनाए भी लोगों को दूर दुराडे शहरों के बीच ना जाना पड़े।
जेकर पिंड डिग्री कॉलेज बनिया फलौर की दाना मंडी बनी गुराया की सब तहसील बनी गुराया का हॉस्पिटल बनिया नीले कार्डा से कनक धियां स्कूल जाने साइकिल की सहूलत 200 यूनिट माफ जिमीदार भावों के मोटर के बिल माफ फ्री मोटर के कनेक्शन संगत दर्शन तीर्थ यात्रा स्कीम यादगारा यह सारा कुछ अकाली दल के राज हो सकता है। तो जो 5 साल महंगे गए यह 5 साल में की करते रहे आए तो मैंबर पार्लीमेंट चौधरी संतोख सिंह से उन्होंने बेटा चौधरी विक्रमजीत सिंह 5 साल का राज होंगे 5 साल की तरफ होंगी है। इन्होंने 58 महीने कुछ नहीं किया अज तो 2 महीने रह गए तो उदो पिंड पत्थर लाने शुरू कर दिते और बहुत पिंडा में टूटिया सड़कों के पत्थर ला के नीं पत्थर उदाहरण करके चले गए। हम आप सोचिए जे बी राज होंगे 5 साल का पत्थर लगते हैं पहला क्यों नहीं फिर आप देखिए भी आपने 5 साल की गवाया 900 स्कूल बंद हो गए धिया शकल स्कीम 52,000 गई से मिली नहीं साइकिल मिलते होंगे से बंद हो गए सांझ केंद्र ने बंद करते कबड्डिया के मैच बंद कर दिते 2500 बेरोजगारी भत्ता क्या से मिलया नहीं 2500 पेंशन कई सी एनआरए मिले दिखती 56 महीने दिखती नहीं बिजली के कट लगने शुरू हो गए जेड़ी बिजली 4.75 पैसे अकाली दल के राज मिलती सी वह इन्होंने 10 रुपए यूनिट कर दिता और उस तो बाद देखो भी जेडे 5 साल लंघ के गए उन्होंने बच्चे आप खटे की गवाया अपील है भी जेड़ा समझौता भैन कुमारी मायावती जी ने तो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने पंजाब किया है उसका एक ही मेन मकसद है भी जेड़े 2 परिवार का वोट बैंक भी है तो 2 परिवार भी पिंड ज्यादा है बी इकट्ठे हो पिंड की डिवेलपमेंट हो सुख सहूलत हर तरफ पहुंचे और उस चीज की बुकलाहट चो आके इन्हों पता लग गया कि सरकार श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की बन जा रही है इन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बना के लिया और इस करके लगता क्योंकि पता भी बहुजन का राज आ जाए और जदों का मुख्यमंत्री बन के आया उदों यह चाहिए सी जेड़े 3 लाख बच्चे इन्होंने राज के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ना मिलने करके एडमिशन नहीं मिली और एडमिशन का प्रबंध कर जड़िया धिया 5 साल साइकिल की सहूलत नहीं मिली और साइकिल की सहूलत का प्रबंध कर जड़िया धिया 5 साल 51,000 शगन स्कीम नहीं मिली और शगन स्कीम का प्रबंध कर जड़िया धिया जा नौजवान सड़कों के उत्ते धरनिया से बैठे रहे भी तुसी दसो भारत के लोगों इंग्लैंड के लोगों इंग्लैंड बोर्ड का अधिकार किन्हां शर्तों से दिंदे हो तो उन्होंने कहा साडे देश के अंदर 21 साल की उम्र है होर कोई शर्त नहीं है तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सानू भी यह अधिकार दिओ 17 अगस्त 1932 21 साल की उम्र चाहे कोई 500 खेत का मालिक है चाहे कोई 10 मिलों का मालिक है चाहे कोई बिरला टाटा है चाहे कोई मजदूर है सारे वोट का हक वन मैन वन वोट वन वैल्यू तो अज 75 साल हो गए अंग्रेज चले गए 75 साल भी असं वोट पाने तो जिन्होंने हजारा साल पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के लोगों तो विद्या खो के उन्होंने गुलाम रखिया उन्हां गुलाम लोगों गांधी नहरू के पुरखियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजा नू कटिया
तो आजादी कांग्रेस ने लैके दी आ अनपढ़ भोले भड़ारे जिहड़े 85% लोग सीगे शड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड सिख मुसलमान उन्होंने सोचा भी अंग्रेजों कांग्रेस पार्टी ने कढ़िया तो असी थोक दे भाना हर 25 साली अपनियां वोटां पा के 20 साल असी पंडित जवाहर लाल नहरू नूं देश का प्रधानमंत्री बनाता फिर असी 20 साल इंदिरा गांधी नूं बनाता 10 साल असी राजीव गांधी नूं बनाता 10 साल असी नरसिम्हा राव नूं बनाता थोड़ा चिर जिहड़ा मोरारजी देसाई चंद्रशेखर गुजराल 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी तो असी कित्थे बैठे हाँ असी अपनी वोट को समझाया भी साड़ी वोट है जिन्हों मर्जी पाई जाओ तुहाडी तुहानू आजादी क्यों नहीं मिली क्यों नहीं परिवर्तन होया क्यों नहीं थोड़े बच्चे स्कूलों कॉलेजों कल्ले कल्ले घर चो कल्ले कल्ले लड़का लड़की जिहड़े आ उह ग्रैजुएट पोस्ट ग्रैजुएट क्यों नहीं बने क्यों थोड़े कोई रुजगार नहीं है क्यों थोड़े को पैसा नहीं है क्यों थानू इस देश के अंदर इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि अज भी उन्हें 15% लोगों का तुहाडे 85% उत्ते राज आ तो तुसी जे आजाद होना तो फिर जिस कांग्रेस नूं असी 65 साल वोटां पा के देखियां जिहड़ी सरकार 65 साल इस देश दे विचों गरीबी नूं खत्म नहीं कर सकी अनपढ़ता नूं खत्म नहीं कर सकी बेरोजगारी साडा मुख मतलब चंगी सेहत अते उचेरी सिक्ख्या हर वर्ग नूं देना साडा सुपना नशा अते भ्रिष्टाचार मिटाउणा हलका फिलौर तो आजाद उम्मीदवार सवन सिंह मोमी नूं 20 फरवरी नूं चोण निशान टैलीविजन दा बटन दबा के कामयाब बनाओ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.